नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने कार्यक्रम रामचरित मानस के अयोध्या कांड पाठ में। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। सुनी रिपुहन लखी नख खोटी, लखे घसीहन धरी धरी झोटी, भरत दयानिधि दीने चढ़ाई, कौशल्या पहींगे दो भाई। तो कल तक आपने जाना था कि दशरथ जी का स्वर्गवास हो चुका है और भरत को बुलावा भेजा गया है, तो भरत आ गए हैं और अब उनकी माँ सुनकर कि भरत आ गए हैं खुशी खुशी आई थी। तो किस तरह से रहा भरत का रिएक्शन? माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजी कुबड़ी वहां आई। उसे देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में आ गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर गई। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा, जो भला करते बुरा फल पाया। अब इसके आगे चलते हैं। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी के ने उसको छुड़ा लिया और दोनों भाई कौशल्या जी के पास गए। मलिन वसन विवरण विकल कृत शरीर दुख भार, कनक कलब बर बेलीवन माहुनी हनि तुसार। कौशल्या जी के मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनी परिझई आई, देखत भरतु विकल भय भारी, परे चरण तब दशा बिसारी। भरत को देखते ही मासा कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गई। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर को शुद्ध बुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह देही दिखाई, कह सिए राम लखन दो भाई, कह कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मित भय काहे न बांझा। माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। केकई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी है तो फिर बांझ क्यों न हुई। कुल कलंकु जेही जन्म्यु मोही, अब जस भाजन प्रियजन द्रोही, को त्रिभुवन मोही सरिस अभागी, गति असी तोरी मातु जेही लागी। जिसने कुल के कलंक, अभ्यास के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी ये दशा हुई। पितु सुरवर वन रघुवर केतु, मैं केवल सब अनरत हेतु, धिग मोही भयव बेनु बन आगी, दुसय दहा दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम वन में हैं, केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के वचन मृदु सुनी पुनी उठी संभारी, लिए उठाई लगाई और लोचन मोचती भारी। भरत के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव भाई ही लाए, हती
हित मरहु राम भरिये आए, भेंटहु बहुरी लखन लघु भाई, सोकु स्नेहु न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया, शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखी स्वभाव कहत सब कोई, राम मात अस काहे न होई, माता भरतु गोद बैठारे, आंसू पोछी मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं कि श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत को गोद में बिठा लिया और उनके आंसू पोंछ कर कोमल वचन बोली, अजहु बच्च बलि धीरज धरहु, कुसमहु समझु शोक परिहरहु, जनी मानसु ये हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। हे वस मैं बलैयाँ लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्यागो, काल और कर्म की गति अमित जानकर हृदय में हानि और ग्लानी मत मानो। का हुई दोही देसु जनिताता, भाव मोही सब विधि बाम विधाता, जो एते हु दुखी मोही जियावा, अजहों को जा नहीं करते ही भावा। हे तात किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। तो आज का पाठ मैं यहीं पूर्ण करती हूँ, कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।